आगे बढ़ते हैं। दोनों ही राज्यों में भाजपा की जीत के बाद दिल्ली पार्टी दफ्तर में जश्न शुरू हो गया, जहां बीजेपी समर्थक पार्टी दफ्तर के बाद एक दूसरे को ढोकला खिलाते नजर आए, वहीं पटाखों के साथ जीत की खुशी मनाते भी नजर आए। इस दौरान हमारे संवाददाता अमित दुबे ने बीजेपी दफ्तर का जायजा लिया। गुजरात और हिमाचल की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कार्यकर्ता और नेताओं को बधाई दी है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से गुजरात और हिमाचल की जनता ने उन्हें विकास के मार्ग पे और आगे बढ़ाने का काम किया है, उससे 2022 में न्यू इंडिया का जो प्रधानमंत्री का सपना है वो जल्द पूरा होगा। बड़ी चीज देखने को मिली कि आज उतार चढ़ाव वाले इस दिन में हिमाचल में बीजेपी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए। हालांकि जिस तरह से उतार चढ़ाव रहा, कांग्रेस में भी आतिशबाजियां देखने को मिली, उसके बाद अंततः बीजेपी की गुजरात में जीत सुनिश्चित हुई। सबसे बड़ी बात की दोनों ही अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, चाहे हम बीजेपी की बात करें। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि सीटें जरूर 100 का आंकड़ा भले ही ना छू पाए हों गुजरात में, लेकिन वोट बैंक का प्रतिशत बढ़ा है। और जाहिर तौर पे जो पार्टी की रणनीति है, उस रणनीति के आधार पे जिस तरह पार्टी काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, ये इस वजह से लोगों ने उन्हें चुना है और इसी वजह से बीजेपी की वोट परसेंटेज यहाँ पे बढ़ी हुई है। कई बड़े दिग्गज नेताओं की भी यहाँ पे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने तारीफ की कि उन्होंने बिना थके हुए पार्टी के लिए लगातार मेहनत की है। हालांकि इसमें भी कांग्रेस गुजरात में अपनी हार को भी एक तरह से जीत में बताना चाहती है, और उन लोगों का भी साफ तौर कहना है कि जिस तरह से पार्टी की रणनीति थी, जो बीजेपी को 150 प्लस की जिस बीजेपी बात कर रही थी, उसे 150 प्लस को कांग्रेस ने बखूबी रोका है। हालांकि अब सरकार जरूर दोनों जगह बीजेपी की बन गई, लेकिन जो टारगेट की बात की जा रही थी 150 प्लस गुजरात का, वो टारगेट जो है बीजेपी को नहीं मिल सका। और इस पे साफ तौर पे पार्टी जो है कहीं ना कहीं अपने आप को बचाते हुए नजर आ रही है। साफ तौर पर कहना है कि गुजरात की बात करें, हिमाचल की बात करें, दोनों जगह पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा, और उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में जो चुनाव होगी वहां पे पार्टी अपने आप को और बड़ा करेगी। पहले से ही करोड़ों की संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता, उन सभी कार्यकर्ताओं को न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भी इस जीत की बधाई दी। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तय होगा कि आखिर गुजरात और हिमाचल दोनों प्रदेशों में मुख्यमंत्री कौन होगा। कैमरामैन यादव शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज दिल्ली।